भी राय थी कि यहाँ पुल बनने चाहिए। क्यों? मसला इस तरह है कि यहाँ एक गांव नहीं है, ये दो गांव आपस में जुड़े हैं, बल्कि तीन चार भी हैं। इसमें बहुत अहमियत की जरूरत है। यहाँ बागवानी वाले भी है, जमपत्री का जो खेती है, जमीन है, वो पार पहलेपुरा में है और पहलेपुरा वाले यहाँ आते हैं और बहुत काम इसमें है, मगर वजह यह है कि यहाँ पुल नहीं दे रहे हैं। अल्लाह उसका काम चल रहा है। तो अब ये मसला है, हमने डीसी साहब को भी इतला दिया था, बाला अफसरों को भी इतला दिया था कि जो ये पुल है जो कि मेन में यहाँ आता है, यहाँ जामिया मस्जिद भी है और सामने है महमूद यूसुफ़ का घर और आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ तो पहलीपुरा बहुत बड़ी बस्ती है, दुनाड़ा है और वहाँ के बच्चे भी यहाँ स्कूल में आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं, यहाँ का ये बहुत रास्ता बड़ा है। तो मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट को ये गुजारिश करता हूँ, खासकर मोदी साहब को गुजारिश करता हूँ, खासकर डीसी साहब को गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत इंसानियत अगर आप इसमें कुछ पुल देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों? यहाँ के लोग बेचारे तशवतश बेकरार होते हैं जिस वक्त यहाँ पानी आता है। इस दरिया में, इस नाले भिड़ने में कम पानी नहीं आता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है जिसे बहुत खतरा होता है और माल मवेशी बाकी इंसान सब नीचे हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके हम आपको यही गुजारिश करते हैं कि इसमें पुल आना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। यहाँ का मुश्किलात यही है कि पुल की ज़रूरत है, यहाँ की पार की लगभग बस्ती है, दुनाड़ा है, पहलीपुरा है, यहाँ से जमपत से इनका रास्ता ये आने जाने का। हम तो बहुत मजबूर है इस पुल में, ये पुल बनने चाहिए। लगभग लगभग पहलीपुरा का 50-60 घर है, यहाँ से जमपत्री का, उधर दुनाड़ा से भी आते हैं, ये तो 2-3 गांव का रास्ता है। जब इसमें इस नदी में पानी नाले बिड़ने हैं, इसमें तो जब पानी आते हैं, बहुत पानी आते हैं, जब ये दो गांव आपस में कट होते हैं, दुकानदार दुकानदार के पास जाएंगे कुछ राशन के लिए, वो भी सब कुछ कट हो जाते हैं।